करौली पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को बालघाट थाना अंतर्गत के गांव कंजोली निवासी हरिजन परिवार ने शनिवार दोपहर को अपनी जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित धर्मा राजू हरिजन ने बताया कि आरोपी राजाराम पुत्र प्रभाती, रामवीर पुत्र उदल, मनोज पुत्र रामस्वरूप व महेंद्र पुत्र श्यामलाल जाटव निवासी कंजोली ने शुक्रवार को सुबह परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर बालघाट थाने में पेश की थी, जिससे नाराज होकर मैं हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में शुक्रवार रात्रि बुरी नीयत से घुस गए। वहां पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर आरोपियों ने बंदूक की नोक पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती की, बेअदबी की और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया व अभद्र गाली गलौज की गई और आक्रोशित आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को गाँव से बाहर निकाल दिया गया, जिसके साथ नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे महिलाएं बुजुर्ग आदि परिवार के लोग अपनी जान की रक्षा के लिए दर बदर भटक रहे हैं और धमकाया गया है कि आपने पुलिस में शिकायत की तो आपको जान से मार दिया जाएगा, जिससे पीड़ित परिवार भयभीत होकर मामले को लेकर शनिवार दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक से मिली। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व उनके गांव में उनकी पूरी परिवार की जान माल की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाने की लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर मांगी गई। इस घटना के दौरान पूरी वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज संगठन के पदाधिकारी पार्षद संदीप डागर, सुरेश परकी, ग्यारसी हल्दिया, बाबूलाल डगर, फूल सिंह सरपंच, राजूपाल की बड़ौदा, मुकेश डोरिया, राजू डोलिया, पप्पू द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देकर मांग की गई। पीड़ित परिवार को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो मजबूरन पूरे वाल्मीकि समाज को सफाई कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वो बात है, हमने मना करी, वहाँ ईटन ने उन्हें काल में लगे 8 बजे। आठ बजे पानी के बाद में विवाद होया था। अब विवाद में क्या है कि बेचारे ये प्यासे मर रहे, प्यासे मरने के कारण इन्हें नल खोदने लगे। नल खोदने लगे तो मैंने जाटा बन ने क्या है कि विवाद कर लिया कि तुम अभी खोद रहे, तो इनने क्या है कि उनके रोकथाम लगाई कि नहीं इस तरह से आप नहीं करोगे, तो मैंने क्या है कि जबरदस्ती इन पे हमला किया लाठी घूसान से। फिर सुबह ही इनसे झगड़ा करके फिर शाम की टाइम 8-9 बजे करीब इनके बदमाश लोग जाटेबन के इनके घर में घुस गए। घर में घुस के इनकी औरतन से पकड़ा झगड़ी करी, छीने झपटी करी, औरत बिल लाई है। बिल लाने के बाद इनके आदमी इकट्ठे हुए, जब औरतन के उसके बेचारी के बचाव हुआ, इसलिए वहाँ एक दो घर हैं हरिजन के और कम से कम 70-80 घर जाटेबन के परेशान कर रहे हैं। बेचारे ने गांव से बाहर निकाल दिए, आज परेशान है, भूखे प्यासे पड़े हैं बेचारे। कल के दूसरे गामन में कल से रह रहे हैं, दूसरे गामन में अपना वो सारा लेकर रह रहे हैं, गांव पूरे खाली पड़ा, इसलिए परेशान है, इसलिए तो इनकी सुनवाई की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान है, कल से भूखे प्यासे हैं, और जो भी न्यूज है इन्हें पता होगा। तो आप लोगों ने जो कंप्लेंट कराई थी उसका कुछ सोल्यूशन निकला या नहीं, ये जवाब दीजिए आपने जी। जो क्या कह रहे थे वो कोतवाल साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आप घर जाओ, आपकी कंप्लेंट हो चुकी है। हम घर पे गए तो मारपीट डबल से करी, फिर हम भाग चुके जी। फिर बाद में हमारे घर वाली ने औरतन के साथ में जबरदस्ती करी उनने। तो जबरदस्ती करने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनका कुछ नाम पता आप लोग जानते हो? जी नाम पता जी, बताइए आप बताइए। राजाराम है जी। जी राजाराम बैरवा जी। रामवीर, रामवीर जी बैरवा और हरकेश जी, हरकेश नहीं है वो, मनोज, मनोज है, हरकेश भी है, मनोज और महेंद्र, महेंद्र। तो आपने जो मुकदमा कराया है वो इन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराया है क्या? नहीं, इन्हीं लोगों का नाम दर्ज, इन्हीं के नाम जी, जी इन्हीं लोगों के नाम, इन्हीं लोगों के जी, जी लोगों के नाम से रिकॉर्ड है। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आप एसपी साहब के समक्ष आए हैं। एक सेकंड। तो देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पर एसपी साहब के समक्ष ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस तरह से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, यानी कि वाल्मीकि समाज को जगह जगह अपमानित किया जा रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है
जबकि लोगों के लिए सबसे ज्यादा सफाई व्यवस्था देने वाले, स्वच्छ जीवन देने वाले लोगों का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा तो किसका ध्यान रखा जाएगा। साथ बदतमीजी, मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि इन लोगों को न्याय दिलाएं।